अरे वाह, देखो देखो, आज तो ये दोनों बच्चे कैसे उदास बैठे हुए हैं। और देखो देखो, ये दोनों बच्चे तो बहुत ही उदास लग रहे हैं, और इनकी तो प्लेट भी खाली पड़ी हुई है। लगता है आज इन दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। चलो चलो, इन बच्चों से पूछते हैं आज इन्हें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिला है, क्योंकि ये तो बड़े उदास और भूखे दिखाई दे रहे हैं। और देखो देखो, यहाँ तो कोई लेटा हुआ है, और यहाँ तो कोई, अरे ये तो इन बच्चों की मम्मी है। चलो चलो, इन बच्चों से ही पूछते हैं इनकी मम्मी आज वहां क्यों लेटी हुई है, और इनकी मम्मी को क्या हो गया है, और ये बच्चे भूखे क्यों बैठे हुए हैं। चलो चलो, अरे बच्चों बच्चों, सिट्टू बिट्टू, हमें ये बताओ तुम आज इतने उदास क्यों बैठे हुए हो। भैया भैया, हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। हमारी मम्मी को बुखार हो गया और हमें खाने को नहीं मिला कुछ भी। हमारी तो प्लेट भी खाली है, हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं। ओहो, तो देखो देखो, ये दोनों प्यारे से बच्चे तो सुबह से अपने घर पर भूखे ही बैठे हैं, क्योंकि इनकी मम्मी को तो बुखार हो गया है। और ये बच्चे कुछ खाने के लिए बाजार से लेकर आए थे, वो खाना तो देखो देखो, ये पंछी लेकर उड़ गए हैं। ओहो, देखो देखो, ये तो व्हाइट वाला कितना सुंदर कबूतर है, और ये तो ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और देखो ये पीले वाला तोता तो बर्गर खा रहा है, और ये जादूगर तो इन दोनों को देखकर बड़ा खुश हो रहा है और ढपली बजा रहा है। इसकी तो टोपी भी कितनी सुंदर है, रेड कलर की। चलो चलो, इन बच्चों से ही पूछते हैं इनके साथ क्या हुआ है। अरे बच्चों, ये बर्गर और कोल्ड ड्रिंक कैसे पी रहे हैं ऊपर तोता और कबूतर। भैया भैया, हम बाजार से गए थे थोड़ा सा सामान लेने, और बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे। ये दोनों गंदे पंछी नीचे आके हमारे आगे से लेकर उड़ गए हैं, और हम तो बिल्कुल ही भूखे हैं। भैया भैया कुछ खिलाओ हमें, भैया भैया कुछ खिलाओ हमें, भूख लग रही है। तो देखो देखो, ये दोनों बच्चे तो बहुत भूखे हैं। चलो चलो, इनकी मम्मी से ही बात करते हैं और इनकी मम्मी का इलाज कराते हैं। अरे सिट्टू बिट्टू की मम्मी, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ही बताओ, तुम ऐसे कैसे लेटी हुई हो। भैया भैया, मुझे तो बुखार हो गया है, मुझे तो बहुत तेज बुखार है, और आज तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी नहीं बनाया है। दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो, और मुझे कुछ खाने के लिए मुझे भी ला, और बच्चों को भी खिला दो, और मुझे तो डॉक्टर जी के पास ले चलो, मुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। ओहो, तो देखो सिट्टू बिट्टू की प्यारी सी मम्मी को तो बहुत ही बुखार हो गया है, और देखो इनका तो हमें इलाज कराना पड़ेगा डॉक्टर जी के पास ले जाकर। चलो चलो, डॉक्टर जी के घर पता करते हैं और इनकी रसोई में चलकर देखते हैं खाने के लिए क्या रखा हुआ है। और देखो देखो, आज तो इनकी रसोई में दो दो बटर की टिक्की आई हुई है, और देखो ये तो चाय के कप भी खाली रखे हुए हैं। ओहो, ये तो सारे बर्तन खाली रखे हुए हैं। आज तो इनकी मम्मी से कुछ भी नहीं बन पाया है, क्योंकि इनकी मम्मी को बुखार हो रखा था। चलो चलो, राधा के घर चलते हैं, राधा की मम्मी से बात करते हैं। अरे देखो देखो, यहाँ तो राधा रसोई में अपनी मम्मी की हेल्प करा रही है, और ये तो खाने के लिए कुछ बना रही हैं। और इधर देखो, घर के अंदर तो पिंकी सोफे के ऊपर बैठी हुई है, और रिंकी तो इस जादूगर का डांस देख रही है। ये तो ढपली वाला जादूगर है, ये तो चॉकलेट भी रखता है अपने पास टॉफी। और ये देखो, ये बच्चे तो अपने घर में व्यस्त हैं, बस राधा तो अपनी मम्मी के साथ इधर रसोई में काम करा रही है। चलो चलो, राधा से ही बात करते हैं। अरे राधा राधा, आज तुम क्या बना रही हो। अरे आज तो मैं मैगी बनाऊंगी, मैं मैगी अच्छी लगती है मुझे, मैगी बना रही हूँ। अरे राधा, बराबर में सिट्टू बिट्टू भूखे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी मम्मी को ना बुखार हो गया है, क्या तुम उन्हें भी थोड़ी सी मैगी दोगी। भैया मम्मी से बात कर लो, मम्मी से। ओहो, चलो चलो, इनकी मम्मी से बात करते हैं। अरे राधा की मम्मी, सिट्टू बिट्टू की मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम उन्हें थोड़ी सी मैगी खिला दोगी क्या। हाँ भैया, हाँ भैया, जरूर जरूर, हमें तो हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, और उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो मैं थोड़ी सी मैगी बना के ना मैं सिट्टू और बिट्टू को भी दूंगी, और दोनों बच्चे खा के खुश हो जाएंगे। अरे वाह, तो देखो देखो, आज तो राधा की प्यारी सी मम्मी जी मैगी बनाकर सिट्टू और बिट्टू के लिए घर पर भिजवाएंगी। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, और राधा भी यहाँ हेल्प करेगी। और चलो चलो, रिंकी तो जादूगर का डांस ढपली देख रही है, चलो चलो हम भी ढपली सुनते हैं जादूगर की। अरे वाह, देखो देखो, ये जादूगर तो कितनी अच्छी ढपली बजा रहा है, तो बहुत मजा आया। चलो चलो, अरे बस बहुत बढ़िया।
अब तुम यहीं पर रहना और तुम ढपली सुनते रहना, राधा खाना बनाएगी। चलो चलो अब सिट्टू बिट्टू की मम्मी का इलाज कराने के लिए लेकर चलते हैं, ये डॉक्टर साहब को ढूंढने चलते हैं, डॉक्टर साहब का घर कहाँ पर है। चलो चलो, अरे देखो देखो यहाँ तो डॉक्टर साहब का घर आ गया है। अरे देखो ये तो डॉक्टर साहब की प्यारी सी वाइफ है, और ये तो डॉक्टर साहब का छोटा सा बेबी है, और आज तो देखो डॉक्टर साहब से इलाज कराने के लिए कौन कौन आया हुआ है। अरे ये तो चिंटू आया हुआ है, और देखो तो स्वीटी है, और ये तो क्रिटिना है, और ये तो जारा है। अरे वाह, जारा, कैटरीना और पिंकी, ये तीनों इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, और इधर तो चिंटू इलाज कराने के लिए आया है। चलो डॉक्टर साहब की वाइफ से पूछते हैं, अरे डॉक्टर साहब कहाँ चले गए हैं। भैया भैया वो तो यहीं गए हैं गाड़ी लेके, पास में ही, आप उधर जाके देखो सड़क पर, वो तो वहीं मिल जाएंगे आपको। ओहो डॉक्टर साहब तो सड़क की तरफ गए हुए हैं, चलो चलो सड़क की तरफ चलकर ही देखते हैं। अरे देखो देखो ये तो डॉक्टर साहब गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, चलो चलो इनसे ही बात करते हैं। अरे देखो इनकी तो डॉक्टर किट भी यहीं पर रखी हुई है। अरे डॉक्टर साहब वो सिट्टू और बिट्टू की मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप उनका इलाज कर दोगे क्या। हाँ भैया, हाँ भैया मैं बहुत अच्छा इलाज करता हूँ, पर मैं सुई जरूर लगाऊंगा सिट्टू और बिट्टू की मम्मी को, क्योंकि उन्हें बुखार हो रहा है, उनका बुखार तभी सही होगा जब सुई लगेगी। ओहो तो देखो आज तो सिट्टू और बिट्टू की मम्मी को सुई लगने वाली है, तो चलो चलो उन्हें लेकर आते हैं डॉक्टर साहब के पास, तभी उनका इलाज हो पाएगा। चलो चलो, अरे सिट्टू और बिट्टू की मम्मी तुम्हें तो डॉक्टर साहब के पास चलना पड़ेगा, तभी तुम्हारा इलाज हो पाएगा। अरे भैया मैं कैसे जाऊंगी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, मैं कैसे जाऊंगी। ओहो ये तो बहुत मुसीबत है, चलो चलो हम आपको पलंग के साथ ही आपको ले चलेंगे। अरे वाह देखो देखो सिट्टू और बिट्टू की मम्मी तो पलंग के साथ डॉक्टर साहब के पास आ गई हैं, और डॉक्टर साहब तो यहीं पर बैठे हुए हैं, आज तो सिट्टू और बिट्टू की मम्मी का इलाज होगा और इन्हें सुई लगेगी। चलो चलो अब तो इनके सुई लगने का नंबर है, चलो चलो इनके तो सुई लगने वाली है। हे भगवान सुई लगेगी, अरे मैं सुई नहीं लगवाऊंगी, मुझे तो बहुत डर लगता है सुई से, मैं नहीं लगवाऊंगी। अरे अरे आपको सुई तो लगवानी पड़ेगी, वरना बुखार कैसे सही होगा। ओहो तो देखो इन्हें तो बहुत डर लगता है सुई से, तो डॉक्टर साहब इस वाली सुई से इनका इलाज करेंगे। चलो चलो अब तो इनका इलाज होने वाला है। अरे वाह, हे भगवान, अरे सुई मत लगाओ, अरे मुझे बहुत दर्द हो रही है, सुई मत लगाओ, मुझे बहुत दर्द हो रही है, बस 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 बस। ओहो तो देखो डॉक्टर साहब ने तो सुई लगा दी है। चलो चलो अब सिट्टू और बिट्टू की मम्मी से पूछते हैं इनकी तबीयत कैसी है अब। अरे आंटी आपकी तबीयत कैसी है अब। भैया भैया मैं तो बिल्कुल सही हो गई हूँ, अब तो मैं सिट्टू और बिट्टू के लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी। थैंक यू भैया, थैंक यू, और डॉक्टर साहब को भी मेरा थैंक यू बोल देना, मैं तो बहुत सही हो गई हूँ अब, और थैंक यू थैंक यू, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो ताकि मैं उनके पास जाकर मैं खाना बना सकूं। अरे वाह देखो सिट्टू और बिट्टू की मम्मी तो सही हो गई हैं, और वो धीरे 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 अपने घर की तरफ जाते हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो सिट्टू और बिट्टू के लिए खाना बनाना है, और वो तो सिट्टू और बिट्टू के पास आ गई हैं देखो घर पर। अरे वाह, अरे सिट्टू बिट्टू मैं आ गई हूँ अब तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी मैगी और पास्ता बनाऊंगी, अब मैं तुम दोनों को भी खिलाऊंगी, चलो चलो अब मैं सही हो गई हूँ, वाह अब देखना अब कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या बनाती हूँ रसोई में। अरे वाह देखो सिट्टू और बिट्टू की मम्मी तो बिल्कुल सही हो गई है और घर पर आ गई है वो तो सिट्टू और बिट्टू के पास, चलो चलो अब देखते हैं उनकी मम्मी क्या बनाने वाली है, अभी तो बहुत मजा आएगा खाकर।